हेलो दोस्तों, वेलकम फ्री सर्किट लैब की न्यू वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम मल्टीमीटर की रिपेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 ऐसे फॉल्ट के बारे में लिस्ट अप कर लिया, तो इन फॉल्ट में से 90% केस में आपको मल्टीमीटर रिपेयर हो जाएगी। तो आइए इसी के बारे में बात करेंगे। और इस वाली मल्टीमीटर में इन 10 में से एक फॉल्ट इसमें है, तो इसको भी कैसे रिपेयर करना है वो भी बता दूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला प्रॉब्लम मिलती है यह है डिजिट काट की प्रॉब्लम। डिस्प्ले में अगर ये डिजिट शो हो रही है, इसमें से कुछ कुछ हिस्सा काटा हुआ है, तो वो होता है डिजिट काट प्रॉब्लम। आईसी फॉल्ट है तो रिपेयर नहीं होगा। अगर आपका ये रबर की पत्ता फॉल्ट है, जो कि इसकी बोर्ड और डिस्प्ले के बीच में कनेक्शन बनाती है, तो आपका रिपेयर हो सकता है। तो इसको आप ऐसे खोल लेना। ये जो रबर की मटेरियल है, ये इस बोर्ड और इस डिस्प्ले के अंदर कनेक्शन बनाती है। इस बोर्ड में जो कनेक्शन है, इसको लेके इस डिस्प्ले में प्रोजेक्ट करती है, कनेक्शन को कनेक्ट करती है। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इसको घिसना होगा एक रबर देके। ओके, तो एक ऐसा आप ड्राइंग वाला रबर लेके इसको घिस सकते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो ये आईसी की फॉल्ट है, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम हमें मिलती है वो है नो बीप प्रॉब्लम। तो ये बीप आती है इस बाजार से, तो अगर आपका ये मल्टीमीटर बीप नहीं कर रहा है, तो ये बाजार आपको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरी प्रॉब्लम, प्रोब्स शॉर्टेड बीप स्टार्ट्स, प्रोब्स डिस्कनेक्टेड बीप नॉट स्टॉप्ड। ओके, तो ये प्रॉब्लम इस मल्टीमीटर में है। तो इसकी जो प्रोब को आपने शॉर्ट करेंगे तो ये बीप स्टार्ट करेगी, और कुछ नहीं दिखा रहा है। देखो, यहाँ पे दिखाना चाहिए, और प्रोब को छोड़ देंगे तो मल्टीमीटर की बीप स्टॉप नहीं होगी। देखिए, कुछ देर बाद स्टॉप हुआ, 1-2 सेकंड बाद। तो यहाँ पे मैंने 20-30 सेकंड लिखा, ये 1-2 सेकंड के लिए भी ये ट्रिक काम करेगा। तो इस केस में आपका प्रॉब्लम जो है वो है आपका R16 रजिस्टर में। ओके, तो इस बाजार के नीचे आप खोलेंगे तो R16 रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये है R16 रजिस्टर। ओके, इसकी SMD कोड होता है 132, और इसकी वैल्यू होता है 1.300 किलो ओम। ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, 1.299 या 300 ऐसा दिखाएगा। तो इसको रिप्लेस करने से आपका काम बन जाएगा। देखो, ये अपने आप बीप करने लगा। चौथा जो प्रॉब्लम है, जब आप टेस्ट नहीं कर रहे होते तो वैल्यू ठीक दिखा रहा है, जैसे ये 0-0 दिखाता है, वो सब ठीक दिखा रहा है। और जब भी आप टेस्टिंग में लगाया तो वो गलत वैल्यू दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम की वजह होती है ये कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू होता है 0.1 और J100, ये लिखा है इसके ऊपर दिखेगा। तो इस वैल्यू की कैपेसिटर आपको यहाँ पे लगाना होगा, नॉन पोलर कैपेसिटर। इसकी वैल्यू होता है 0.1 माइक्रोफेराड, 100 वोल्ट। ओके, तो इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है पीएफ कैपेसिटर में, वो होता है 104, 104 नंबर की पीएफ। ओके, और 5 नंबर की जो प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप मल्टीमीटर में कुछ भी चेक कर रहे होते हैं तो वैल्यू पहले दिखाएगा, और वो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे घटेगा। ये हो सकता है वैल्यू गलत दिखाएगा और धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे घटेगा। इन प्रॉब्लम का वजह होती है आपका R4 रजिस्टर। तो R4 रजिस्टर आपको यहाँ पर कहाँ मिलेगी, ये होता है R4 रजिस्टर। इसकी जो वैल्यू होता है, जो SMD वैल्यू, वो होता है 224, और इसकी जो रजिस्टर वैल्यू होता है वो 220.00 किलो ओम। यहाँ पर पॉइंट के बाद 200 है, मतलब ये बहुत ही एक्यूरेट है। जितना एक्यूरेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं उतना ही बेहतर होगा, ये उतना ही एक्यूरेट रीडिंग दिखाएगा। ओके, तो आप अगर कार्बन रजिस्टर यूज कर रहे होते हैं, आप 4 बैंड की जगह 5 बैंड रजिस्टर लगाने की कोशिश कीजिए, अगर मिले तो। 4 बैंड रजिस्टर में एक्यूरेसी होता है 5% से 10% के बीच में, यानी 100 ओम की रजिस्टर में 105 और 95 हो सकता है। और जो 5 बैंड रजिस्टर होती है वो 1% या 2% के बीच में इसकी एक्यूरेसी होती है, यानी 100 ओम की रजिस्टर लेंगे तो 99 से 101 के बीच में होगा। तो ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, जितना एक्यूरेट आप यहाँ पे लगाएंगे उतना ही एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगा। ओके, और ना मिले तो आप 4 बैंड की रजिस्टर लगा सकते हैं, काम करेगा। और 6 नंबर की जो प्रॉब्लम है, आप जब यहाँ पे कुछ नाप रहे होते हैं तो वैल्यू धीरे धीरे ये बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद एक बार यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 आके रह जाएगा। तो ये है 6 नंबर की प्रॉब्लम। इसकी वजह होती है R6 रजिस्टर। तो R6 रजिस्टर आपको यहाँ पर मिलेगा, ये वाला होता है R6 रजिस्टर। ओके, तो R6 रजिस्टर की वैल्यू होता है 9000, ये SMD कोड होता है, और 900 ओम है इसकी एक्चुअल वैल्यू। ओके, जो 7 नंबर की प्रॉब्लम है, प्रोब लगा नहीं है फिर भी ये बीप करेगा, और यहाँ पे नेगेटिव दिखाएगा, नेगेटिव साइन आके रह जाएगा। तो ये प्रॉब्लम की वजह होती है R7 रजिस्टर। ठीक है, R7 रजिस्टर यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर जो R7 लिखा हुआ है, ये R7 रजिस्टर है। इसकी जो रजिस्टर की SMD वैल्यू होता है ये 105 है,
और इसकी वैल्यू होता है 1.00 मेगा ओम यानी 1 मेगा ओम एक्यूरेट। 8 नंबर की जो प्रॉब्लम है, व्हाइल टेस्टिंग वोल्टेज वैल्यू स्लोली इंक्रीजिंग, यानी जब आप वोल्टेज टेस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे की जो मैंने बताया वो किसी भी चीज में वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन ये जो 8 नंबर की मैं दिखा रहा हूँ इसमें ओनली वोल्टेज की सेक्शन में आपका प्रॉब्लम आ रहा है और आप चेक कर रहे होते हैं तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है वो है आपका R5 रजिस्टर में। R5 रजिस्टर मिल रहा है आपको यहाँ पर, जो R5 यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है। इस रजिस्टर की जो कोड है ये 1000 है और इसकी वैल्यू है 100.0 ओम, यानी 100 ओम की रजिस्टर आप लगा देने से ये काम हो जाएगा। और 9 नंबर की जो प्रॉब्लम है ये आप सभी को पता है, लो बैटरी इंडिकेटिंग, तो बैटरी चेंज करने से हो जाएगा, इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करते। तो 10 नंबर की जो प्रॉब्लम है वो है नो रीडिंग ऑफ एसी वोल्टेज। एसी जो वोल्टेज है यहाँ पे आप देख के अगर एसी नाप रहे होते हैं तो ये जीरो ही रहता है, कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं दिखाता है चाहे आप कोई भी वोल्टेज नाप रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आते हैं, ये जो डायोड है ये डायोड जल जाने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये डायोड अगर आपका खराब हो गया तो ये सर्किट ब्रेक हो जाती है और ये यहाँ पे मल्टीमीटर रीडिंग शो नहीं करता है, तो ये डायोड आप चेंज कर सकते हैं। तो M7 जो कोड है ये इसकी SMD कोड है, अगर ये डायोड आपको ना मिले तो यहाँ पर आपको थ्रू होल डायोड लगाने की जगह दिया हुआ है, 2 छेद बना हुआ है, यहाँ पर आप कोई भी डायोड जो हम नॉर्मली रेक्टिफायर के लिए यूज करते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थ्रू होल रजिस्टर का जो वैल्यू होता है वो आप 4001 से 4007 जो मोस्ट कॉमनली यूज डायोड होता है वो आप किसी एक को यहाँ पर लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है रॉन्ग वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। ओके, तो एसी वोल्टेज आप जब नाप रहे होते हैं तो यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू दिखाता है, जितना वोल्टेज है उतना नहीं दिखाता है, रॉन्ग दिखाता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपका यहाँ पे जो R1, R2, R3 ये 3 रजिस्टर है, इन तीनों के वजह से। तो यहाँ पे R1, R2, R3 मिलेगा, ये है आपका R1 रजिस्टर, ये R2 है ये और R3 है ये। R1 और R2 इन दोनों का रजिस्टर का जो SMD कोड होता है वो है 514, ये 510 के की रजिस्टर है, 510 किलो ओम की। और R3 है 224 कोड के साथ, तो इसकी रजिस्टर है रेजिस्टेंस वैल्यू 220 किलो ओम। तो इन तीनों में से कुछ एक फॉल्टी रहेगा या तीनों ही फॉल्टी रह सकता है, तो इन तीनों को चेंज करके आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी सारी बातें इस मल्टीमीटर की प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन के बारे में। अगर आपका मल्टीमीटर में भी ऐसा कुछ फॉल्ट हुआ तो इन सब रजिस्टरों में से कुछ एक आपका फॉल्टी रहेगा, तो वो आप देख के पता लगा सकते हैं। और देख के आप समझ नहीं पा रहे हैं तो सारे रजिस्टर को आप चेक कीजिए कौन सा फॉल्टी है, उसको चेंज करने से हो जाएगा। अगर आप नया मल्टीमीटर लेना चाहते हैं तो उसका बेस्ट डील का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, वहाँ पर जाकर आप बेस्ट प्राइस यानी सस्ता प्राइस से खरीद सकते हैं। मेरा मल्टीमीटर में भी R16 ये रजिस्टर जला हुआ था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना, अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल का और वीडियोस देखिए, अगर वो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में जितना भी वीडियो है वो सब आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो अगर आप सच में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।